क्या आपको पता है कि ट्रांसजेंडर्स, समलैंगिक और सेक्स वर्कर्स आखिर ब्लड डोनेट क्यों नहीं कर सकते हैं? इस पूरे मामले पर 2 साल पहले एक याचिका दायर हुई थी, जिसमें ये मांग की गई थी कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को भी ब्लड डोनेट करने का अधिकार मिले। और इनकी बात भी सही है, अगर हर किसी को खून देने का बराबर से अधिकार प्राप्त है, तो फिर आज के इस प्रोग्रेसिव दौर में आखिर LGBTQ+ कम्युनिटी को ब्लड डोनेट करने से आखिर क्यों रोका जाए? राइट, रॉन्ग। और इसके पीछे सिर्फ सोसाइटल रीजनिंग नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरी साइंटिफिक बैकिंग है कि आखिर LGBTQ+ कम्युनिटी को ब्लड डोनेट करने क्यों नहीं दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर इस कम्युनिटी के ब्लड डोनेट करने पर क्यों पाबंदी लगाई गई है और इसके पीछे क्या वो कारण है जिसके कारण LGBTQ+ कम्युनिटी अपना खून किसी को नहीं दे सकते। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिस्टम के तहत ये तय करने की कोशिश होती है कि मरीज को हर हाल में सुरक्षित खून ही मिले, उसमें किसी भी तरह की ऐसी बीमारी ना हो जो ब्लड से फैलती हो। इसे पक्का करने के लिए सेंटर के परिवार कल्याण मंत्रालय की ब्लड डोनर सिलेक्शन गाइडलाइन में कई बातें लिखी हुई है। यहाँ इस बात का भी खुला जिक्र है कि कौन कौन ब्लड डोनेशन कर सकता है और कौन नहीं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो अपना खून किसी को नहीं दे सकते, यानी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। रक्तदान के लिए लोगों का एडल्ट यानी वयस्क और स्वस्थ होना जरूरी है, तो वहीं उम्र दराज, बीमार लोग और प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग महिलाएं खून नहीं दे सकती हैं। इसके अलावा क्रॉनिक स्किन डिसीज के मरीज और 6 महीने पहले टैटू करवाए लोगों का भी ब्लड नहीं लिया जाता है। अब आखिर टैटू करवाने से किसी को क्या दिक्कत हो गई? तो आपको बता दें कि टैटू करवाने से जो सुई अंदर जाती है उससे यौन बीमारी का खतरा रहता है, इसलिए 6 महीने तक ये सुनिश्चित किया जाता है कि अगर आपने टैटू बनवाया है तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कुत्ते के काटने पर अगर साल भर के अंदर रेबीज का टीका आपने लिया हो तो भी आप ब्लड डोनर नहीं बन सकते हैं। अब इसी लिस्ट में एक कैटेगरी और आती है, जो कि है LGBTQ कम्युनिटी। इस कम्युनिटी को भी ब्लड डोनेट करने का अधिकार नहीं है। अब क्यों नहीं है, तो इसके पीछे जो साइंटिफिक बैकिंग है वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल इस बात पर लगभग 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में इस समुदाय के एक शख्स मेंबर थंगजम सिंह ने याचिका लगाई और इस भेद को खत्म करने की मांग की। इस पर सरकार ने डोनर गाइडलाइन को पूरी तरह से वैज्ञानिक बताया। इसे सपोर्ट करने के लिए स्टडीज का भी हवाला दिया गया। साल 1980 में ब्लड डोनर्स की गाइडलाइन को साफ करते हुए गे कम्युनिटी के रक्तदान पर पाबंदी लगी थी। ये प्रतिबंध समलैंगिक पुरुष, समलैंगिक महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए था। यहाँ आपको बता दें कि ट्रांस उन्हें कहा गया है जिनकी लैंगिक पहचान उनके जन्म की पहचान से अलग है, यानी पुरुष की तरह जन्मा शख्स खुद को महिला पाए या इसका उल्टा हो। 80 के दौर में इस पर कोई खास स्टडी तो नहीं थी, मगर ये माना गया कि इस कम्युनिटी के लोग यौन संबंध बनाने में लापरवाही बरतते होंगे, लिहाजा इन्हें अगर ब्लड डोनेट करने की लिस्ट में डाला गया तो इससे दूसरे लोगों को भी कई प्रकार की बीमारियां फैल सकती है और इन्हें ब्लड डोनेट ना ही करने दिया जाए तो ठीक रहेगा। हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन के लिए क्लॉज 12 की गाइडलाइन फॉर ब्लड डोनर सिलेक्शन एंड ब्लड डोनर रेफरल 2017 को देखा जाता है। इसके मुताबिक डोनेट किया जा रहा खून किसी भी फैलने वाली बीमारी से रहित होना चाहिए। कई बीमारियां हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलती हैं, जैसे HIV और हेपेटाइटिस बी और सी का संक्रमण। खून लेते समय मेडिकल ऑफिसर को रक्तदाता की फिटनेस देखनी जरूरी होती है और इसी गाइडलाइन के तहत गे और ट्रांसजेंडरों के ब्लड डोनेशन पर पाबंदी है। नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसे इशू किया था। अब ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ भारत में ही LGBTQ+ कम्युनिटी को खून देने पर पाबंदी हो। ऐसा दुनिया के लगभग ज्यादातर देशों में देखा गया है कि LGBTQ+ कम्युनिटी को ब्लड देने पर पाबंदी हो। तो आइए जानते हैं कि दुनिया के बाकी देशों में इस रिगार्ड में क्या क्या कानून हैं और उनका किस प्रकार से पालन किया जाता है। सबसे पहले बात अमेरिका की कर लेते हैं।
तो अमेरिका में हाल तक ट्रांस और गे लोगों के रक्तदान पर बैन था। दिसंबर 2015 में ही फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें थोड़ा बदलाव करते हुए जोड़ा कि वो भी खून दे सकते हैं अगर उन्होंने पिछले 12 महीनों के दौरान यौन संबंध ना बनाए हों। पब्लिक सेफ्टी के लिए ये जरूरी माना गया। इसके बाद साल 2020 में इस नियम में एक बार फिर से बदलाव किया गया। अब की बार एक साल के पीरियड को घटाकर 3 महीने कर दिया गया, लेकिन सरकार ने खुद माना कि ये बदलाव कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और खून की कमी को देखते हुए लिया गया है। फिलहाल अब भी 3 महीने वाला नियम लागू है। अगर समलैंगिक पुरुष या महिला या फिर ट्रांसजेंडर बीते 3 महीनों में सेक्सुअली एक्टिव रहे हों या नया पार्टनर जुड़ा हो तो वो खून नहीं दे सकते। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम की बात कर ली जाए तो यूनाइटेड किंगडम में भी ब्लड डोनेशन का नियम कुछ इसी तरीके का है। वहां डोनर से पूछा जाता है कि बीते 3 महीनों के दौरान क्या उसके मल्टीपल पार्टनर रहे या फिर कोई नया पार्टनर बना। अगर ऐसा नहीं हो तो वो खून डोनेट कर सकता है। स्विट्जरलैंड में एक साल तक यौन संबंध ना हो तभी समलैंगिक और ट्रांस रक्तदान कर सकते हैं। और कमोवेश ऐसे ही रूल्स दुनिया के बाकी देशों में भी लागू होते हैं। कनाडा के नियम कुछ ज्यादा सख्त हैं। वो मानते हैं कि हाई रिस्क सेक्सुअली बिहेवियर वाली श्रेणी में यौन बीमारियों का खतरा भी ज्यादा होता है, इसलिए इसकी स्क्रीनिंग जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया में गे और ट्रांस लगातार ब्लड डोनेशन में भेदभाव की शिकायत करते रहे हैं। यहां भी 3 महीने वाला नियम ही लागू है। दरअसल इसके पीछे बहुत साफ लॉजिक है और वो ये है कि सरकारें मानती हैं कि जरूरतमंद और बीमार लोगों को सेफ ब्लड ही मिले तो ये बेहतर है, और इसी वजह से इस कम्युनिटी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन गाइडलाइन से बाहर रखा गया है। ये नियम कुछ रिसर्चर्स पर बेस्ड है जो ये दावा करते हैं कि LGBTQ का सेक्सुअल एनकाउंटर सो कॉल्ड सामान्य जोड़ों से ज़्यादा होता है, ऐसे में उन पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियों का खतरा भी ज्यादा रहता है। सेफ प्रैक्टिस की कमी को भी इसके लिए जिम्मेदार माना गया है। हालांकि कई रिसर्चेज में ये भी कहा गया है कि सेफ प्रैक्टिस की कमी हर जगह है और महिलाओं को यौन रोगों का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। तो कुल मिलाकर ये वो कारण है जिसकी वजह से LGBTQ+ कम्युनिटी अपना ब्लड डोनेट नहीं कर सकती है। इस नियम पर और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि LGBTQ+ कम्युनिटी को ब्लड डोनेट करने दिया जाना चाहिए? हाँ, उसके लिए कोई स्क्रीनिंग हो सकती है या फिर इस पर जो पाबंदी लगी है वो बरकरार रहनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशनल लगा हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें, और IBC24 के हमारे YouTube चैनल खबर बेबाक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर बेबाक के साथ।